سورة الأنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ कि अगर उन्होंने कह दिया है कि हम ईमान लाए तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश न की जाएगी याद रखिए जो भी ईमान लाता है उसको आजमाया जरूर जाता है और हर इंसान पर आजमाइश उसके दीन के मुताबिक ही आती है साद रजी रजियाल्ला कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अर्ज किया अल्लाह कि के रसूल सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किन लोगों पर आती है आपने फरमाया अंबिया पर फिर साल पर फिर दर्जा बदर्जा आम लोगों पर इंसान पर आजमाइश उसके दीन के अतबार से आती है अगर दीन में पुख्तगी हो तो उसकी आजमाइश में मजीद इजाफा कर दिया जाता है और अगर दीन की कमजोरी हो तो उसमें तख़फीफ कर दी जाती है नबी मोमिन मर्द और और औरत पर जिस्मानी या माली या औलाद की तरफ से मुस्तकिल परेशानियां आती रहती है यहां तक के जब वो अल्लाह से मिलता है तो उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं होता वीनाबलिम हालांकि हमने उन लोगों को आजमाया था जो इनसे पहले गुजर चुके हैं अल्लाह ताला को जरूर ये मालूम करना है कि इनमें से सच्चे कौन है और झूठे कौन उसको तो पहले से इल्म है लेकिन उसे इस इल्म को लोगों के सामने भी लाना है या जो लोग बुरे काम कर रहे हैं वो ये समझ बैठे कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे वो कैसा बुरा फैसला कर रहे हैं यानी क्यामत के दिन उनके सारे झूठ और ख्यामतें गिन गिन के जो रखी जाएंगी उनके सामने ले आई जाएंगी और इंसाफ के साथ तराजू रख दिया जाएगा और वो अल्लाह ताला से भाग नहीं सकते कि वो उनको सजा न दे मन का अल्लाह अजल नाजूल अजल्लाम जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने की तो रखता है तो अल्लाह का मुक्र करदा वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है तो इंसान को अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद पर दुनिया में अल्लाह की इताहत पर सख्त मेहनत करनी चाहिए कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त आने ही वाला है जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब हम उसके हुजूर हाजिर हो जाएंगे तो इसलिए इंसान को इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए अभी तो बड़ी उम्र पड़ी अभी तो मैं जवान हूं बुढ़ापे में देख लेंगे नहीं जो जिस भी उम्र में है वो अल्लाह की मुलाकात की फिक्र करे और जो शख्स जहाद करे तो वो अपने ही फायदे के लिए करता है अल्लाह ताला यकीनन अहले आलम से बेनियाज है जो मेहनत करता है उसकी मेहनत का फायदा उसी को पहुंचता है और जो लोग ईमान लाए और नेकमल करते रहे हम जरूर उनकी बुराईया दूर कर देंगे और जो कुछ उन्होंने किया होगा उन्हें इससे बेहतर बदला देंगे तीसरी दफा ये बात आ रही और हमने इंसान को ताक़ीदी हुक्म दिया कि वो अपने वालदे से नेक सलूक करे और अगर वो इस बात पर जोर दे के किसी को मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना ना मान यानी मां बाप की हर बात नहीं मानी जा सकती माँ बाप की गलत बातों को आसान तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए मेरी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना है मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो यानी इसका मतलब यह है कि दरअसल अल्लाह सुबहानू का हक ज्यादा है माँ बाप के हक से और वालदेन का हक उसके बाद बहुत बड़ा है हतरक वाले के साथ भी रहमी करनी चाहिए और जो अल्लाह के नाफरमान वाले हो उनके साथ भी रहमी करनी चाहिए अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था उसका बेटा अब्दुल्ला सच्चा मुसलमान था तो एक दफा नबी सलम गुजरे तो आप गदे पर थे तो उसके चलने की वजह से वो उड़ा तो बड़ी नफरत से कहता है कि इब्ने अभी कपशा ने हम पर गबार उड़ाया है तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला को बहुत गुस्सा आया तो उसने उठकर कहा कि अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत दी है आप पर किताब नाजिल किया आप चाहे तो मैं इसका सर कलम करके आपके पास ले आता हूँ आपने फरमाया नहीं बल्कि तुम अपने बाप से नेकी करो और उसने सोहबत से पेश आओ ये है हमारे दीन की तालीम बात बच्चे जो है नए नए दिन में आते हैं ना तो बड़े जोशीले हो जाते हैं वो हमारे माँ बाप सूद लेते हैं वो ये गलत काम करते हैं वो गलत काम करते हैं इसलिए हम तो अब घर छोड़ रहे हैं और अब तो हम उनसे मिलने ही नहीं जाएंगे और अब हम ये कर रहे हैं वो जो करते हैं वो उनका फेल है उनको समझाना जरूर चाहिए लेकिन आप ताल्लुक नहीं कर सकते माँ बाप से बायकॉट नहीं कर सकते अगर उन्हें आपकी मदद की जरूरत है तो आपको फिर भी करनी होगी उनका मामला अल्लाह के साथ है और आपसे पूछा जाएगा आपके अमल के बारे में और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें हम साले लोगों में शामिल करेंगे और लोगों में कोई ऐसा है जो जबान से तो कहता है हम अल्लाह पर ईमान लाए मगर जब उसे अल्लाह की राह में कोई तकलीफ पहुंचती है तो लोगों की इस इजार आसानी को यूं समझता है जैसे अल्लाह का अजाब हो थोड़ी सी मुश्किल भी आती है दीन के रस्ते में तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं और अगर आपके रब की तरफ से नुसरत आ जाए तो जरूर कहेगा कि हम दिल से तो तुम्हारे ही साथ थे क्या सारे जहानों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं और अल्लाह ताला जरूर ये देख कर रहेगा कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन और काफिर ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो तो हम तुम्हारे गुनाहों का बार उठा लेंगे हालांकि वो दूसरे के गुनाहों का कुछ भी बार नहीं उठाएंगे ये सरासर झूठे लोग हैं ये अपने गुनाहों के बोझ तो उठाएंगे ही और साथ ही दूसरों के बोझ भी उठाएंगे जिन्हें उन्होंने गुमराह किया होगा और जो कुछ ये अफ्तराह करते रहे क्यामत के दिन इससे इनसे जरूर बास फुरस होगी ये बड़ी खतरनाक बात है कि इंसान के ऊपर सिर्फ अपने गुनाहों का ही बोझ नहीं होगा बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी होगा जिनको उसने भटकाया होगा गुमराह किया होगा यानी जो शख्स किसी बुरे काम का आगाज करता है उसका रवाज डाल देता है तो जो जो उसकी पैरवी करते हैं क्यामत तक उनके गुनाह का एक हिस्सा शुरू करने वाले के हिस्से में आएगा जैसे अमरिब्न लोहई ने मक्का में बुतपरस्ती का आगाज किया था तो जितने लोग बुत परस्ती करेंगे उसके बाद उसको देखा देखी उन सब के गुनाह का एक हिस्सा अमरिब्न लोहई के हिस्से में जाएगा हमने नू असलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो पचास बरस कम एक हजार साल उनके दरमियान रहे मिलीनियम फिर उन लोगों को तूफान ने आ घेरा कि वो जालिम थे फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को इस तूफान से बचा लिया और कश्ती को जहानों के लिए एक निशानी बना दिया और इब्राहिम का वाक याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से डरो अगर तुम जानो तो यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूछते हो वो तो महज बुत हैं और तुम झूठ गढ़ते हो और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो तुम्हें रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते लिहाजा अल्लाह से रिस्क मांगो उसकी इबादत करो और उसी का शुक्र करो तुम उसी की तरफ ही लौटाए जाओगे और अगर तुम झुट हो तो तुमसे पहले भी कई उम्मतें अपने रसूलों को जुट चुकी हैं और रसूल के जिम्मा तो सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचाना है क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह तखलीक की इब्तदा करता है फिर किस तरह उसको रिपीट करता है अरादा करता है यकीन ये अरादा अल्लाह पर आसान तर है आप इनसे कहिए कि जमीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा किया है फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा अल्लाह यकीन हर चीज पर कादिर है तो ये मरने के बाद दोबारा जी उठने और हिसाब किताब का यकीन दिलाने के लिए बात की गई है इसमें शक न करो जिसने पहली बार पैदा किया वो फिर भी कर सकता है और ये क्यामत के आने पर बहुत बड़ी दलील है वो जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम करे और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे और ना तुम उसे जमीन में आजिज कर सकते हो और ना आसमान में और ना ही अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हामी और मददगार हो सकता है और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात और उसकी मुलाकात का इनकार किया वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब होगा तो इब्राहिम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कह दिया कि इसे मार डालो या जला डालो फिर अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया यकीन इस वाक्य में ईमान लाने वालों के लिए कई निशानियां हैं नीज इब्राहिम ने उनसे कहा तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को आपस में मोहब्बत का जरिया बना लिया है मगर क्यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारा कोई भी मददगार न होगा अब देखिए कि दुनिया में अमूमन लोगों के बाहमी ताल्लुका और दोस्तियां और मोहब्बतें किस बिना पे होती हैं किसी न किसी कॉमन ग्राउंड पर होती हैं कोई बिजनेस कोई जॉब कोई हॉबी कोई स्पोर्ट यानी कोई भी चीज जो कुछ लोगों के बीच में एक जैसी होती कुछ लोग मिलके ताश खेलते हैं उनकी आपस में बड़ी दोस्ती होती है कुछ लोग मिलके कोई और गेम खेलते हैं कुछ लोग इकट्ठे चर्च जाते हैं कुछ इकट्ठे मंदिर जाते हैं कोई इकट्ठे मस्जिद जाते हैं तो लोग उन्हीं के साथ जाकर मिलते हैं जिनके तौर तरीके उनको अच्छे लगते हैं मोमिन जो है वो दुनिया में किसी से भी जो मोहब्बत करता है उसके पीछे अल्लाह की जात होती है अल्लाह की खातिर वो दुनियावी अगराज और मकासद और मफादात की खातिर नहीं मोहब्बत करता और यही मोहब्बत बेलौस मोहब्बत होती है मसलन अगर मैं किसी से उसके माल की वजह से मोहब्बत करूं तो ये मोहब्बत कैसी है कल को अगर उसके पास माल नहीं रहेगा तो क्या फिर मैं उसको छोड़ दूंगी ऐसा ही हो रहा है ना दुनिया में आपके पास अच्छी जॉब है अच्छा घर है आप अच्छी पार्टी अरेंज कर लेते हैं तो लोग आपके शदाई हैं आपसे मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत आपसे नहीं कर रहे वो मोहब्बत आपकी रौनकों से कर रहे हैं जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द है। अगर वो रौनके चली गई तो ये लोग भी छट जाएंगे पूछेंगे भी नहीं लेकिन एक मोमिन का किसी मोमिन से ताल्लुक उसकी जॉब की अच्छे होने की वजह से या माल के ज्यादा होने की वजह से या घर के खूबसूरत होने की वजह से नहीं होता वो किस वजह से होता है दीन की वजह से होता है और ये मोहब्बत और ये ताल्लुक आखिर वक्त तक उसको उसके साथ जोड़े रखता है चाहे वो मिलियनेयर बन जाए और चाहे वो बिल्कुल कंगाल हो जाए वो उसको छोड़ता नहीं वो कहता है कल भी तुम मेरे दोस्त थे आज भी तुम मेरे दोस्त हो क्योंकि इस दोस्ती में जो कॉमन चीज थी वो अल्लाह की मोहब्बत थी वो मेरा दीन था इसीलिए आता है ना कि क्या के दिन सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के क्योंकि मुत्तकीन का ताल्लुक तकवा की वजह से था दीन ईमान की वजह से था कुरान की वजह से था तो कितना बड़ा फर्क है इसमें फिर भी हम दुनिया की हकीकत को नहीं समझते और दीन को अहमियत नहीं देते और दीन की वजह से दोस्ती को अहमियत नहीं देते आप देखिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना जब हम लोगों से मामला करते उससे हमारी पहचान होती कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं यानी हम किन चीजों को प्रिफर करते हैं अब रिश्ते के लेन देन की बात हो तो आमतौर पर किसी का दीन कम ही देखा जाता है ये देखा जाता है कि क्या वो सस्टेन कर सकता है ठीक है देखना चाहिए कि लड़का जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो लेकिन बाजोकत ऐसा भी होता है कि कोई दुनियावी एतबार से बहुत स्ट्रांग नहीं भी होता लेकिन दीन में बहुत आगे होता खास तौर पर वो लड़के जो दीन सीखने के लिए बाजुकत अपना कैरियर भी पे लगाए हुए होते हैं कि लेटर ऑन इसमें काम कर लेंगे अभी कुछ साल जिंदगी के हम इस काम के लिए वक्त करें ऐसे लड़कों की बाजुकत नेक तबीयत अच्छी माकूल लड़की से शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि माँ बाप देना नहीं चाहते क्यों क्योंकि दुनिया नहीं है तो जो दीन को सामने रख के ताल्लुक कायम करेगा उसको रिस्क भी मिल जाएगा कहते ना कि रिस्क इंसान को इस तरह ढूंढता है जैसे मौत इंसान को ढूंढती है रिस्क अल्लाह के हाथ में है हाँ इम्तिहान हो सकता है वक्ती तौर पर तंगी हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला उस तंगी को भी दूर कर देगा तो देखने की बात यह है कि इंसान की प्रायोरिटीज क्या है आखिरत को अपनी अहमियत देता है या सिर्फ दुनिया को अगर सिर्फ दुनिया को दिया तो क्या के दिन एक दूसरे का इनकार इंसान कहेगा कि मैं तो नहीं जानता इस शख्स को और एक दूसरे पे लाना था इसने तो मुझे बहका दिया था यह गलत काम करता था इसने मुझे भी अपने रास्ते पर लगा दिया था अब बच्चों को सिगरेट और नशे की आदत कहां से पड़ती है घर से तो नहीं होती बाहर से ये लत लेके आते हैं ना दोस्ती का असर होता है तो बुरी कंपनी का असर होता है पसलूत इब्राहिम पर ईमान मान ले आए, और इब्राहिम ने कहा मैं तो अपने रब के हुक्म के मुताबिक हिजरत करने वाला हूँ वो यकीन सब पर गालिबर हिकमत वाला है और हमने उन्हें इसहाक और इसहाक से याकूब बता किए आप देखिये जब अल्लाह तला हजरत इब्राहिम की औलाद का जिक्र करते है तो पोते का भी साथ ही करते हैं और उन्ही की औलाद में नबूबत और किताब रख दी दीन के लिए कुर्बानी की आप देखे कहा खैर गई और हमने दुनिया में भी उन्हें अजर अता किया और आखिरत में वो यकीन साले लोगों में से होंगे और लूत का वाक्य याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम ऐसी बदकारी के मुतकब हो रहे हो जो तुम से पहले दुनिया वालों में से किसी की नहीं थी यानि ये बुराई उन्ही की कौम से शुरू हुई थी उससे पहले ये बुराई नहीं मौजूद थी क्या थी बुराई क्या तुम लोग शहवत से मर्दों के पास जाते हो ये एक बुराई दूसरी राहजनी करते हो मुसाफिरों को लूटते हो कितना बड़ा जुल्म और अपनी मजालिस में बुरे काम करते ओपनली बुरे काम करते थे अपने क्लब्स के अंदर वो नादी कुमुल मुन कर नादी कहते क्लब को यानी बेहयाई के काम सबके सामने तो उसकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कह दिया अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ धमकी दी लूत ने दुआ की रब मेरे रब इन लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा क्योंकि कोई दूसरा मर्द उनका मददगार न था कहीं से कोई सपोर्ट उनको नहीं थी ओलमाजा अत रसुलना इब्राहिम बिल बुशरा और जब हमारे भेजे हुए फरिश्तेहाक की बशारत देकर इब्राहिम के पास आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती को हलाक करने वाले हैं क्योंकि इसके जालिम हैं। एक ही ट्रिप में दोनों काम पहले बशारत फिर हलाकत इब्राहिम ने कहा वहां तो लूत भी मौजूद है वो कहने लगे हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है रिश्तों को पहले से पता था हम उन्हें और उनके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में होगी क्योंकि वो कौम की हमदर्द ज्यादा थी

हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है हम इस बस्ती के रहने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं क्योंकि ये बदकारी कर रहे थे कौम लूत की दीगर नाफरमानियों का भी जिक्र आता है इब्ने अब्बास कहते हैं लूत की कौम में इस बेहयाई के काम के अलावा और भी गुनाह पाए जाते थे उनमें से एक ये था कि वो एक दूसरे का हक मारते थे मसलन किसी का घर किराए पे ले लिया किराया दिए बगैर कब्जा कर लिया एक दूसरे को गालियां देते थे ओपनली फहश गालियां और जैसे हो ना अपनी नादी में क्लब में तुम तो ओपनली बुरे काम करते हो फिर मर्द औरतों जैसा और औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनती थी क्योंकि मर्दों के मर्दों से रिलेशन थे तो औरतों को भी मर्द बनने का शौक हो गया कि उनकी तरफ कोई तवज्जो करे ताजरों पर टैक्स लगाते थे और साथ साथ वो शिर की बीमारी में भी मुब्तला थे और सबसे पहले हम जिन परस्ती का काम इन्हीं से शुरू हुआ था वो लकत तरक ना मिन आय और सोचने समझने वाले लोगों के लिए हमने इस बस्ती की एक वाज निशानी छोड़ दी है रास्ते से गुजरते हुए अब भी उनके आसार मौजूद है वो इलाम अखा हम शिबा और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शोब को भेजा उन्होंने कहा अमरी कॉम अल्लाह की इबादत करो और आखरत के दिन की तो रखो और मुल्क में फसाद न मचाते फिरो उन्होंने शुएब को जुटला दिया तो आखिर उन्हें एक सख्त जलजिले ने आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए और कौम कौमयाद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया और ये बात तुम्हें उनकी रिहायश गाहों से वाजे हो चुकी है शैतान ने उनके काम उन्हें बड़े खुशनुमा करके दिखाए थे और उन्हें राहें हक से रोक दिया था ये था उनका कसूर ये था उनका मसला कि हक से रुक गए थे हालांकि वो बड़े समझदार लोग थे आप सोचिए कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े घर बनाए और पहाड़ों को तराशा और बहुत बड़े बड़े पिलर्स पर उन्होंने बुलंद मल्ला किए तो वो मामूली लोग तो नहीं थे दुनियावी मामला में इंतहा समझदार लेकिन शैतान ने उनके कामों को उनके लिए इतना खुशनुमा बना दिया कि वो अपने आप को अकेले कुल समझने लगे और पैगम्बर की बात को छोटा समझ के जुटा दिया और कारून फिरओन और हामान को भी हमने हलाक किया उनके पास मूसा वाजे मोजात लेकर आए मगर वो मुल्क में बड़े बन बैठे यहाँ भी तकबुर है हालांकि वो हमसे आगे नहीं जा सकते थे इनमें से हरे को हमने इस गुनाह की पादाश में पकड़ लिया फिर इन हलाक होने वालों में कुछ ऐसे भी है जिन पर हमने पथराव किया और कुछ ऐसे जिन्हें जबरदस्त चीख ने आ लिया कुछ ऐसे जिन्हें हमने जमीन में धसा दिया कुछ ऐसे जिन्हें हमने गर्व कर दिया पानी में डबो दिया अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था बल्कि ये लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे थे मसल अल्लाह अउलिया का मसलबूत इतखत बीता व इन्ना तिल अब अनकबूत लोकानु यालमून जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर औरों को सरपरस बना रखा है यानी शिरक करते हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया हो और सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का घर होता है काश ये लोग जानते होते यानी मकड़ी के अंदर एक ऐसा मादा पैदा होता है जो उसके मुंह से निकलता है तो एक बारीक धागा बनता है जो बाल से बीस गुना ज्यादा बारीक होता है यानी एक एवरेज नॉर्मल बाल जो होता है उससे भी बीस गुना बारीक अब उस बारीक धागे से जो घर बनता है उसको कौन सहारा दे सकता है और कौन उसको तबाह होने से बचा सकता है इसीलिए कहा कि गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के घर से भी ज्यादा कमजोर है वो तुम्हें नहीं संभाल सकते तुम्हें नहीं सहारा दे सकते तो ये मिसाल अल्लाह ने उन लोगों के लिए बयान किया है जो अल्लाह के अलावा बातिल मबूद बना लेते हैं जो उनको नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जैसा कि मकड़ी का घरौंदा इंसान को न सर्दी से बचा सकता है न गर्मी से और न उसमें रहने की कोई जगह ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस जिस चीज को पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है हम ये मिसालें लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं मगर इन्हें समझते वही है इल्म है। इल्म हैं जो अहले है अल्लाह तला ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है इनकी पैदाइश में भी ईमान लाने वालों के लिए एक निशानी है